वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो सिंपली आज मैं ग्रिड्स मेथड का यूज़ करके ड्रॉ करूँगा, तो बिना देर किए शुरू करता हूँ। सो ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए मैंने स्केल और पेंसिल का यूज़ किया है। मैं ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए हमेशा लाइट शेड वाली पेंसिल यूज़ करता हूँ, ताकि जो ग्रिड्स ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लाइन्स बाद में हम इरेज कर सकें। अभी मैं 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर मार्किंग कर रहा हूँ, ताकि इमेज रेफरेंस इमेज के हिसाब से हमारे जो ग्रिड्स है वो 2-2 सेंटीमीटर के ड्रॉ हो। ग्रिड की साइज़ हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जितने छोटे ग्रिड्स ड्रॉ करेंगे उतना एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी छोटे ग्रिड्स ड्रॉ करने से दिक्कत हो सकता है, तो मैं तो एवरेज साइज़ ही ग्रिड्स ड्रॉ करता हूँ। तो अभी मैं ग्रिड्स और आउटलाइन फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटलाइन डन, अभी आगे के पार्ट पे चलते हैं। सो सिंपली आई स्टार्ट फ्रॉम आईज, जो हम पहले मैं आईब्रोज ड्रॉ कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी आईज ड्रॉ कर रहा हूँ और आईज़ के अंदर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, जो जहाँ पे डार्क शेड्स है वो जो डार्क शेड्स है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। इसी ऐसे ही हम नेक्स्ट आई भी ड्रॉ करेंगे। पहले आईब्रोज डार्क करेंगे, उसके बाद जो आईज़ के अंदर वाला पार्ट है उसके वहाँ पे जो जो वैल्यूज़ है, जो जो हाइलाइटेड एरियाज है, उसे वैसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि जो हम आईज ड्रॉ कर रहे हैं वो थोड़ी रियलिस्टिक लगे। सो आईज़ वाला पार्ट हम फटाफट कंप्लीट करते हैं और आगे चलते हैं। और हाँ, आईज़ में, आईज़ के बीच में जो हाइलाइटेड एरियाज है उसके लिए मैं ज़ीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ज़्यादातर रेफरेंस इमेज के हिसाब से ही शेड्स की वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी हम बालों की तरफ चलते हैं। हेयर्स ड्रॉ करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो हेयर्स है वो स्किन से प्रॉपर अटैच लगे, ना कि विग जैसे लगे। हेयर्स ड्रॉ करने के लिए मैं एडबी पेंसिल का यूज़ करूँगा। सो एज यूजुअल मैं पहले डार्क पार्ट्स को कवर कर लूँगा। और हाँ, बालों में हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि बालों का फ्लो किस डिरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही डिरेक्शन में पुट नहीं किया है, क्योंकि सारे अलग अलग डिरेक्शन में हैं। वैसे ही आपको ऑब्जर्व करना होगा और वैसे ही पुट करते जाना होगा, और जितने भी हाइलाइटेड एरियाज है वो मैं वैसे ही छोड़ते जा रहा हूँ। हाइलाइटेड एरियाज़ को वैसे ही छोड़ना अच्छा होता है फ्रेंड्स, ना कि उसको बाद में इरेजर से इरेज करना, और वो बेटर इफ़ेक्ट देता है और उससे ड्राइंग थोड़ी रियलिस्टिक लगती है। और स्किन पे मैंने जो हल्के हल्के स्ट्रोक दिए साथ में, उसे भी मैं स्मज कर लूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉ करते समय हल्की फुल्की गलतियाँ हमेशा होती है। मैटर ये नहीं करता कि गलतियाँ हो रही है, बल्कि आप गलतियाँ कैसे सुधार रहे हो। और नोज़ बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पे बहुत लाइट शेड्स होती है, नोज़ के शेड्स को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जितनी भी लाइट शेड्स है उनको कवर करने की आप कोशिश करिए। जैसे कि आप देख सकते हो, आँखों के पास वाली जितनी भी लाइट शेड्स है वो मैं कवर कर रहा हूँ। साथ ही हल्के फुल्के जो रिंकल्स होते हैं उससे एक्सप्रेशन आते हैं चेहरे के, तो ट्राई करें उन्हें अच्छे से ड्रॉ करने का। सो बियर्ड ड्रॉ करते समय भी मैं सेम ही स्टेप यूज़ करूँगा, हल्के हल्के जो हेयर्स है उसे डार्क करूँगा। फेस पे जो मैंने हल्के हल्के शेड्स किए थे, अभी मैं उसे ब्लेंडर का यूज़ करके स्मज कर लूँगा, ताकि जो स्किन का टेक्सचर है वो स्मूथ हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो, जो ब्लेंडिंग के लिए टूल होता है उसे हम स्टम्पनर कहते हैं, वो मैंने सिंपल पेपर के इस्तेमाल से बनाया हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद सिंपल वे में बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप इसके ऊपर वीडियो देखना पसंद करोगे। अभी फेस पे जो स्ट्रोक्स है उसको ब्लेंड अच्छे से कर लिया है, अभी आगे चलते हैं। अभी क्लोथ्स की तरफ जाता हूँ। क्लोथ्स के यहाँ पे भी मैं सेम ही करूँगा, सेम ही टेक्निक यूज़ करूँगा। जो डार्क एरियाज़ है उसे पहले डार्क वे में ड्रॉ कर लूँगा, और जो हाईलाइटेड एरियाज़ है उसे वैसे ही छोड़ दूँगा, ताकि वो क्लोथ्स का जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट होता है, जो क्लोथ के जो शेडो पड़ते हैं वो हमें अच्छे से दिखे। इसलिए जो शेडो का पार्ट है उसे मैं डार्क ड्रॉ करूँगा, और जो
ऊपर के साइड दिखते हैं क्लोथ्स के जो पार्ट्स रहते हैं उन्हें मैं लाइट ड्रॉ करूँगा, और मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना आपसे हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करना। और अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए और लास्ट तक पूरा देखिए। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना, ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ़।